एक बच्चा हो तो राहत, दो से अधिक पर आफत। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर योगी सरकार का ऐसा है नया फॉर्मूला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। योगी सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की भी तैयारी पूरी कर ली, और इस नीति के मुताबिक दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। एक बच्चे पर सरकारी राहत, ज्यादा बच्चे हैं तो होगी आफत। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति, योगी सरकार ने तैयार किया फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है। नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार करके उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला। राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.N. मित्तल की देखरेख में ये मसौदा तैयार किया गया है। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों की आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल या फिर डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं। अगर योगी सरकार इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। ड्राफ्ट में जो प्राविधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले BPL श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला बच्चा बालक होने पर 80,000 रुपए और बालिका होने पर 1,00,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री उच्च शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई कर सकेगी, जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आयोग ने 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को कई तरह की सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव रखा है, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकायों का चुनाव तक लड़ने से रोकने, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर रोक लगाने तथा सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को प्रोन्नति से वंचित करने का प्रस्ताव है। इसको लागू करा जाएगा और उसको नए सिरे से देखा जा रहा है, क्योंकि जो समय अवधि थी वो खत्म हुई है, तो फिर से एक दफे उसको देखते हुए नई लागू करनी है और हम लोग उस पर पूरा मंथन चल रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी उसको अनाउंस करेंगे। कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू होगा। 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वे भी सुविधाओं से वंचित होगा। प्रदेश की सरकार की मंशा साफ है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ना और मुस्लिम समाज को टोपी से टाई की तरफ ले जाने का प्रयास ये हमारा है, इनका नहीं। 2 बच्चे के नियम का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और जीवन साथी को बीमा कवरेज मिलेगा। 1 बच्चे वाले कर्मचारी को 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे।
ये कानून उन लोगों पर भी लागू नहीं होगा जो शादी से दो बच्चों के गर्भ धारण करने के बाद तीसरे बच्चे को गोद लेते हैं या जिनके दो बच्चों में से एक विकलांग है और उनका तीसरा बच्चा है। यदि एक या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे बच्चे को गर्भ धारण करने वाले जोड़े को कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कानून की प्रस्तावना कहती है यूपी में सीमित संसाधन हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, आवास, शिक्षा तक पहुंच सभी की हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस मसौदे को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। हम छोटे परिवार के जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती बगैर जानकारी के बगैर विचार विमर्श के जल्दबाजी में ऐसे कानूनों को ले जाने के पक्षधर भी नहीं। कांग्रेस ने इस मसौदे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। जिस जनसंख्या के भरोसे, जिस जनसंख्या को देखकर आपकी बाछें खिल जाती है जब आप वोट मांगते हैं, वही जनसंख्या आपके लिए अभिशाप बन गई है, क्योंकि आपने शिक्षा का बजट काटा है, आपने स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया है, आपने इस जनसंख्या को अभिशाप इसलिए बना दिया क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं आज करने को। बहरहाल सियासी गहमा गहमी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दलील है कि सभी प्रस्ताव जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, लिहाजा जनता से मांगे गए सुझावों के बाद इसे अमल में लाने की तैयारी होगी।